इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में सिग्नेचर साइन हुए थे कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंडर्स के दौरान कोई भी सेनाओं पर पोस्टों पे नहीं चढ़ेगी, ना इंडियन आर्मी और ना ही पाकिस्तान के रेंजर्स। उनको रेंजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, हम सरोज और सुनील आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील। इस चैनल पर हम ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थानों, पर्वतमालाओं, नदियों, रेगिस्तान और समुद्री तटों का दर्शन अपनी पिछली और आगामी यात्राओं के जरिए कराएंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे। अगर आपकी इन सब में रुचि है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज इस चैनल पर हम अपना पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, कारगिल विजय की कहानी, एक जवान की जुबानी और आज़ादी। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। हम लोग अपनी लेह लद्दाख यात्रा के दौरान हॉल ऑफ फेम देखने गए। इस हॉल में विभिन्न पट्टिकाओं पर वार हीरोज की शौर्य गाथाएं लिखी हुई हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने 0.5140, 4750 और 4875 पर पुनः कब्जा कर लिया। 7 जुलाई 1999 की सुबह 0.4875 पर घायल हुए एक अधिकारी को बचाने के प्रयास में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें विशिष्ट व्यक्तिगत बहादुरी, अदम्य साहस और उच्च कोटि का कनिष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के कारण भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब आप कारगिल युद्ध की कहानी संक्षेप में एक जवान के जुबान से सुनिए। दो रिवर चाइना से आ रहे हैं, इंडस रिवर और सिंगो रिवर, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है, और एक और लास्ट में पीओके से सिर्फ आरआर रिवर, जो पीओके से घूमता हुआ वो भी इंडिया की तरफ आ रहा है। सर अपना वेट अपने पास के प्लीज। जो रेड लाइन्स आप देख रहे हैं, कुछ एक लेटर लिखकर रेड लाइन्स है, जैसे गुलतारी, गौन, मतियाल, बिजोट, मरोल, यह पीओके के कुछ एक गांव जो कि पीओके में वहां पे मौजूद है। जो एरोमीटर भी इंडिकेट कर रहा है वो एलओसी, एलओसी का मतलब पता है आप लोग को? मेरे को जोश में आवाज चाहिए। 99 के वॉर से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में सिग्नेचर साइन हुए थे कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंडर्स के दौरान कोई भी सेनाओं पर पोस्टों पे नहीं चढ़ेगी, ना इंडियन आर्मी और ना ही पाकिस्तान के रेंजर्स। उनको रेंजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया, एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ चेक पोस्ट ऑक्यूपाई करके रख लिए। जब हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे, वो पोस्ट कौन से आप देख सकते दराज में, 0.4 टाइगर हिल, 5140 टोलोलिंग, नेक्स्ट कारगिल में 5608 ककसार, मजदास और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स, मुंटो डालो, खालूपर और यल्दोर। अभी पाकिस्तान ने जितना ऑक्यूपाई करना था कर चुका, अभी इंडिया की बारी थी इसको रिकैप्चर करने के लिए, तो उसकी शुरुआत करी गई बटालिक सेक्टर से 2 मई को। कितने मई को? 2 मई को। 99 की वॉर की शुरुआत हुई थी 2 मई से, और उसका पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था मुंटो डालो के पास 15 मई को, पहला ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले 2 मई को कैसे शुरुआत हुई, कैसे हमें पता चला कि पाकिस्तान ने हमारे सारे के सारे पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए, तो ध्यान से सुनेगा। बटालिक में चरवा था जिसे बोलते भेड़ बकरी चलाने वाला लोकल सिविल, जिसका नाम था ताशी नामगेल। क्या था? जब वो मुंटोलाल के पास अपनी भेड़ बकरी चराते चराते उसने कुछ लोगों की वहां पे हरकत देखी, 7 से 8 लोग पठानी सूट पहने हुए लंबे चौड़े वहां पे पत्थरों से बंकर बना रहे थे। जब उसने कंफर्म कर लिया कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो नीचे बटालिक में जाके उसने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी। वो जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बैठी हुई थी उनको बताया गया कि सर मैंने मोंटोडाल के पास कुछ लोगों की हरकत देखी है,
ऐसा सुनने के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी हरकत तेज कर दी। उन्होंने पेट्रोलिंग टीम बनाई, सर्चिंग टीम, जिसमें एक अफसर 10 जवान शामिल थे। टोटल 11 जने की टीम, जिसमें कमांडर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कैप्टन सौरव कालिया साहब का नाम सुना है किसी ने? यस सर। अगर जिसने नहीं सुना तो मैं उसको बता देता हूँ कि जो 1919 का वॉर की शुरुआत हुई थी वो 11 जनों से हुई थी। जब वो 11 के 11 वहाँ पे मुंटो डाल के पास सर्च करने गए, लेकिन वो 11 के 11 वापिस नहीं लौटे, वो वापिस नहीं आए। जब नहीं लौटे वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए कहा जाता है, वहां पे ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलके वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया। और पाकिस्तान ने जितने भी हमारे बटालिक सेक्टर के जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर के लिए 4 के 4 आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दराज, दराज में टोलोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नेशनल हाईवे द्वारा जोजीरा, दराज, कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर तक अगर पाकिस्तान टोलोलिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहाँ पे हम सब लोग खड़े वहाँ पे कौन होता? ऐसा होने देते हम नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय। इसमें 0.475 टाइगर इन 5140 टोलोलिंग शामिल थे। आपने एक मूवी देखी होगी जो लेटेस्ट में आई थी अभी, कौन सी मूवी? जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल हुए थे। उनको एक टास्क मिला हुआ था कि 0.5140 रिकैप्चर करने का, और उन्होंने किया भी। और करने के बाद अपने सीनियर को एक 4 लाइन का छोटा मैसेज पास किया था, वो क्या था? क्या था वो? लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन वॉर का 2 मई बटालिक से शुरू हुआ था और 26 जुलाई के कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा। लेकिन इस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, इसलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। इस देश की सीमा की रक्षा करते करते उन माओ के 527 शेरों ने बलिदान दिया है। थैंक यू। जय हिंद। हॉल ऑफ फेम के गेट के निकट ही एक तोप रखा हुआ है। यह इस बात का प्रतीक है कि युद्ध में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तोपों का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही हॉल ऑफ फेम के मुख्य द्वार पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित है। वह बुद्ध जिसके धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया, वह अशोक जिसने कलिंग युद्ध में भयंकर रक्तपात के बाद शांति के महत्व को समझा, वह अशोक जिसका चक्र हमारे तिरंगे में विद्यमान है, जिसके 4 शेर वाली प्रतिमा को हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया है। अशोक जो सम्राट था, जो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था, उसे शांति का महत्व समझ में आ गया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी शांति का संदेश दिया। अगर मुल्कों के भीतर और बाहर शांति कायम रहेगी तभी उनके नागरिकों की, उनके अधिकारों की और किसी मुल्क की आज़ादी भी सुरक्षित रहेगी। तभी न युद्ध होंगे, न तोपों का इस्तेमाल होगा और न जवान शहीद होंगे। आप अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।